बालों के गिरने से हैं परेशान? जानिए क्यों गिरते हैं बाल और आप उनको कैसे बचा सकते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई एम बैक अगेन विद दिस न्यू फ्रेश वीडियो। मेरा नाम है विक्रांत और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी। तो अत्यधिक बाल गिरना एक बड़ी परेशानी हो सकती है। इससे कई बार महिलाओं और पुरुषों में आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस की भारी कमी आती है। अनुवांशिक तौर पर बालों के गिरने को जेनेटिक एलोपेशिया या मेल पैटर्न बालनेस के तौर पर भी जाना जाता है। ये महिलाओं और पुरुषों में आमतौर पर देखा गया है कि जेनेटिकली उनको ये प्रॉब्लम होती है। तो ये प्रॉब्लम अगर आपके परिवार में स्टार्टिंग से चली आ रही है यानी कि जेनेटिकली चली आ रही है तो ये आपको होने के भी पूरे पूरे चांस हैं। थायराइड भी वजह है बालों के गिरने का, यानी कि अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, जो जो व्यक्ति थायराइड की प्रॉब्लम से जूझ रहा है उसको हेयर फॉल यानी कि बाल झड़ने की समस्या का सामना करना पड़ सकता है या करना पड़ रहा होगा। अगर गर्दन के पिछले हिस्से में मौजूदा थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन की काफ़ी ज़्यादा मात्रा निकल जाती है तो बालों की वृद्धि यानी कि ग्रोथ में और उसके चक्र में यानी कि साइकिल में बहुत ज़्यादा फर्क आता है। यानी कि जो आपकी साइकिल होती है आपकी हेयर ग्रोथ की, उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आ सकती है। यदि आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो बालों के गिरने के साथ साथ आपको बेहद सर्दी लगना, गर्मी लगना, आपका वजन बढ़ जाना, कम हो जाना, संवेदनशीलता यानी और जैसे कि आपकी हार्ट बीट जो है वो अनइवन हो जाएगी, ऐसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं जिसकी वजह से आपके बालों पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और वो झड़ते हैं। शरीर में पोषण यानी कि न्यूट्रिशन की कमी से भी बाल झड़ सकते हैं। जी हाँ, ये संभव है कि आयरन, कॉपर, जिंक और प्रोटीन जैसे आवश्यक पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिटिव तत्व आपके भोजन से आजकल गायब हों और विटामिन डी की कमी बालों के गिरने का एक अहम कारण होती है। कई बार शरीर में पौष्टिक तत्व यानी कि न्यूट्रिटिव तत्व की कमी से भी बाल अपने आप झड़ने लग जाते हैं। तो अगला मुख्य कारण है तनाव, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को बाल झड़ने की समस्या का सामना करना पड़ता है। अत्यधिक तनाव की वजह से अचानक बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और ये सिलसिला कई महीने चलता रहता है, जिसकी वजह से आपको गंजेपन का सामना करना पड़ता है। तो तनाव बिल्कुल ना लें। तो अगला जो कारण है वो है हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट, यानी कि आप जो हेयर स्टाइलिंग के लिए प्रोडक्ट यूज़ करते हैं चाहे वो कुछ भी हो, उनकी वजह से भी बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। तो दोस्तों, बालों का ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीटमेंट कराना भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है, चाहे वो किसी आप शॉप पे कराएं या आप किसी मॉल में कराएं या आप घर पे ही कर रहे हो, चाहे आप उसमें डाई लगाएं अपने बालों में, चाहे आप कोई जेल लगाएं या आप कोई शैम्पू यूज़ करें, तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपके बालों की जो थिकनेस है वो धीरे धीरे थिन हो रही है। और ये इसलिए हो रही है क्योंकि जो आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं अपने बालों के लिए, चाहे वो स्ट्रेटिंग भी कर रहे हों या फिर आप कोई ऐसी कोई चीज़ लोशन वगैरह लगा रहे हों जो कि आपके बालों को शाइनिंग दे, जो आपके बालों को स्ट्रेट कर दे या फिर आपको आपके बालों को काला कर दे, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वो क्यों क्रिएट करता है? क्योंकि वो आपके बालों के छेदों को धीरे 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 करके बंद कर देता है, क्योंकि उसमें इतने बुरे बुरे केमिकल्स होते हैं। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप जो भी प्रोडक्ट यूज़ करें वो ज़्यादा से ज़्यादा हर्बल यूज़ करें। जो हर्बल प्रोडक्ट बहुत सारे आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं, आप उनको यूज़ करें ताकि आपको इन समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, ये थे कुछ कारण जिसकी वजह से आपके बाल झड़ते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं कुछ ऐसे सॉल्यूशंस की जिससे आप अपना हेयर फॉल कम कर सकते हैं या फिर बिल्कुल बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये देखिए, आप जो शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, आप जो कंडीशनर यूज़ कर रहे हैं, वो हर्बल है या नहीं है। अगर वो हर्बल नहीं है तो आप उसको हटा दीजिए और उसकी जगह आप एक हर्बल शैम्पू या हर्बल कंडीशनर लेके आइए जो कि आपके बालों को बचा के रखे और बालों को झड़ने ना दे। दोस्तों, दूसरा है कि आप भरपूर मात्रा में आयरन लीजिए, विटामिन लीजिए, प्रोटीन लीजिए, एक संतुलित आहार खाइए, यानी कि एक जो आपका डाइट है उसमें आप इन सब चीज़ों को इंक्लूड करिए और देखिए कितना जल्दी फर्क आता है। अगर आप पूछेंगे कि आप क्या क्या चीज़ें हैं, आप क्या क्या चीज़ रेकमेंड करते हैं कि हमें वो खानी चाहिए, तो आप अंडे ले सकते हैं जिसमें काफ़ी प्रोटीन होता है, आप अखरोट वगैरह खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह खा सकते हैं, गाजर ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं जो हाई प्रोटीन होता है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप दालें वगैरह ले सकते हैं, आप कोई सब्जियां ले सकते हैं, जिसकी वजह से आपका शरीर भी ठीक रहेगा और आपको हेयर फॉल का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे बालों को ऑयल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है? जैसे हम कोई गाड़ी चलाते हैं तो उसको प्रॉपर ऑयलिंग की ज़रूरत होती है, तो ये भी बिल्कुल हमारा शरीर बिल्कुल वैसा ही है। हम बचपन में जब छोटे थे तो हमारे मम्मी पापा हमको
मालिश कर करके हमारी हड्डियाँ मजबूत की हैं उन्होंने। तो यही चीज़ मैं आपको यहाँ भी बताना चाहूँगा कि हमारे बाल भी बहुत नाजुक होते हैं, इनको भी बहुत थोड़ा पैम्परिंग की ज़रूरत होती है, इनको थोड़ा सा आप मसाज करिए। आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आप आलमंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आप उनको ऐसे रब करिए, वो हाथों में ही थोड़ा सा उसको गर्म करिए और उसको आप अप्लाई करिए अपने स्कल के ऊपर, अपने बालों में, अपनी जड़ों में थोड़ा थोड़ा मसाज करिए, जो कि आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा और आपको हेयर फॉल का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आपको ये कब कब करना चाहिए या मैं कब कब करता हूँ, तो एक्चुअली मैं तो हफ्ते में एक बार करता हूँ और आपको भी मैं ये रेकमेंड करूँगा, आप इसको हफ्ते में एक बार तो कम से कम ज़रूर करिए। आप हफ्ते में दो या तीन बार भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर यहाँ पे बात करें प्राकृतिक चीज़ों को लगाने की, यानी कि हर्बल चीज़ों को यूज़ करने की, तो आप इसमें कोकोनट मिल्क, एलोवेरा, अनियन जूस और आंवला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपके हेयर फॉल में कमी ला सकता है। ऐसा इसका अभी तक कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं निकला है, लेकिन काफ़ी लोगों को इस चीज़ से फ़ायदा भी हुआ है, तो मैं आप इस चीज़ को रेकमेंड करूँगा। और मैं इसलिए भी रेकमेंड करूँगा क्योंकि ये चीज़ें हर्बल हैं, इससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि सनलाइट हमारे शरीर के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक, यानी कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है? क्योंकि हम लोगों का लाइफस्टाइल ही ऐसा हो गया, हम ऑफिस जाते हैं, हम घर आते हैं, एसीज में रहते हैं, ज़्यादा बाहर जाना आना जाना हो नहीं पाता, तो और सनलाइट से हमारा बहुत ज़्यादा मतलब कोई नाता रहा ही नहीं। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आपको जब भी मौका मिले आप सनलाइट में जाएँ, ज़रूर जाएँ। आजकल तो नहीं जा सकते क्योंकि तमतमाती धूप इतनी पड़ रही है कि बाल वैसे ही जल जाएंगे, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप छाया में रहें और फिर भी आपको वो सनलाइट का इफेक्ट आपके बालों में ज़रूर आ ही जाएगा और वो जो प्रोटीन है वो आपको मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, एक अहम बात ये भी है कि काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि PRP कराने से, मैंने मतलब वो कहते हैं कि सर मैंने अभी हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करवाया है और मेरे बाल झड़ रहे हैं, क्या मैं PRP कराऊंगा तो मेरे बाल झड़ना बंद हो जाएंगे या मेरे बाल झड़ना कम हो जाएंगे? तो मैं आपको इसमें कहूँगा 80% हाँ, कि आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे और आपके बाल जो हैं वो एक तरह से अगर वो झड़ भी रहे हैं तो कम ज़रूर हो जाएंगे, क्योंकि PRP का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। वो एक्चुअली में हमारे जो शरीर का जो नसें हैं उनको सबको खोल देता है। आप ये वीडियो देख सकते हैं, इसमें मैंने बताया हुआ है PRP के बारे में और डॉक्टर ने भी बताया हुआ है इसमें कि PRP क्यों इम्पॉर्टेंट होती है। तो बस यही थे आज के पॉइंट, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ना दबाना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।